और आज ये आपका प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं लखनऊ में भी हुआ है, वहाँ पर मैं नहीं सुनता है, लेकिन आपकी जो रेस्टोरेंट है ये अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहीं के बीच में दे रहा हूँ। की बात सुनूंगा आखिर क्या बात है और ये लोग क्यों लड़ाई करते हैं, रात में पढ़ाई करने की जगह यहाँ पे बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आखिर इनको कमरे में पढ़ाई करनी चाहिए थी, खुले में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फाइनली हमें ये प्रोटेस्ट का रुख अपनाना पड़ा, काफ़ी सारी प्रोटेस्ट किया हमने जनता में दस तरीके से द्वारा प्रोटेस्ट करना बोले, मगर आज यहाँ मुखर्जी नगर में जो एक स्टूडेंट का हब है यहाँ से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को, युवा को एकत्रित करने के लिए कि जो अन्याय हुआ है स्टूडेंट्स के साथ वो सिर्फ किसी एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स नहीं है, वो UPSC के भी हैं, वो SSC के भी हैं, बैंकिंग के भी हैं, IIT JEE के हैं और रेलवे के हैं, SSC JD के हैं, स्टेनोग्राफर्स हैं, SSC में काफ़ी सारे अलग वैकेंसी होती हैं, CGL PCPOP, वो सभी एग्जाम्स को हमने एक्ट्रेस किया, इंक्लूड किया कि अगर अन्याय होता है किसी भी स्टूडेंट के साथ तो उसमें जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है राज्य सरकारों की, केंद्र सरकारों की, उन्हें अपना काम बखूबी करना चाहिए, तभी वो हिम्मत करे कि वो इलेक्शन में खड़े हों और हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए वो तैयार हैं, ठीक है। और जो भी सरकार इस मुद्दे को नहीं समझ रही है मुझे नहीं लगता कि उसे आने वाले चुनाव में जीतना चाहिए या लोग उसको वोट करें। मैं सभी स्टूडेंट्स से अपील करता हूँ कि आप स्टूडेंट्स के हित में जो भी सरकार नहीं है उसको कतई आप अपना प्रतिनिधि नेक्स्ट टाइम के लिए मत चुने, और जब तक हमारी स्टूडेंट्स की डिमांड पूरी नहीं होती हम लोग भी यहाँ मुखर्जी नगर में लगातार प्रोटेस्ट करेंगे और तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि हमें न्याय नहीं मिलता। आप आखिर क्या चाहते हैं, कहीं ना कहीं जो UPSC अपरेंट हैं, ये UPSC और SSC का हब कहा जाता है, किताबी रंग बिरंगी दुनिया मुखर्जी नगर, आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी लेकिन इस टाइम आप यहाँ पे खुले में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज आपने यहाँ पे ये प्रोटेस्ट किया है, क्या आपकी फिर से किसी ने सुनी है या नहीं, क्योंकि पहले आप जंतर मंतर के लिए प्रोटेस्ट कर चुके हैं, किसी ने नहीं सुनी इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं और पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे कि न्याय चाहिए, ठीक है। PCS कर सकते हैं लेकिन जब UPSC कर सकते हैं तो PCS में क्यों जाएंगे, तो न्याय लोकतंतर है तो न्याय तो मिलना चाहिए ना, और आर्टिकल जो 16 है अवसर की समानता, कोरोना ने इसका जो गैप है पहले कम था देश में इसको और ज्यादा बढ़ा दिया है, माइग्रेंट्स के जो बच्चे थे या जो डेली वेज वर्कर्स थे क्या वो तैयारी नहीं करते, वो भी तैयारी करते हैं क्या कोरोना में कर पाए, तो कोरोना ने इससे उन्हीं लोगों को मौका दिया जो पहले से रिसोर्सफुल थे, और लोकतंत्र में ये नहीं होता कि जिसके पास पहले से रिसोर्स है वही आगे पहुंचेगा, सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो इसी वजह से लोगों ने अपने अटेम्प्ट खोए और प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाए, किसी ने अपने नियर डियर को खोया, कुछ गाइडलाइंस थी कोरोना के दौरान जिसमें मतलब एग्जाम तक पहुँच ही नहीं पाए, लाइक जैसे कि जो डॉक्टर थे या जो एसेंशियल सर्विसेज में थे या पुलिस में जो जॉब कर रहे थे उसको गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया था कि कोई भी जो इस दौरान ये जो सर्विसेज है वो स्टेशन ना छोड़े और 24/7 वो जॉब पे रहेंगे और कोई लीव नहीं मिलेगी, जबकि कोई भी जॉब हम करते हैं नॉर्मली उसमें लीव मिलती है, स्टडी लीव ले सकते हो या कैसे, तो ये हम ठीक है वो नेशन की एक सर्विस थी उसमें सबको देना पड़ता है, लेकिन जब नेशन की सर्विस के लिए लोग अपना सब कुछ दाव पे लगा देते हैं तो क्या लोगों को राहत नहीं देनी चाहिए उस स्टूडेंट्स को, तो यही है। और इसमें क्या हुआ कि जैसे कुछ UPSC का जो एग्जाम देते हैं फॉरन में भी रहते हैं तो जो फॉरन माइग्रेंट्स थे वो स्टक हो गए, वो नहीं आ पाए, हम लोगों ने एक डिजिटल डिवाइड को भी फेस किया क्योंकि 21 डेज के लिए लॉकडाउन लगा दिया, आगे की पॉलिसी इन्होंने बताया नहीं कि क्या होगा, जो बच्चे शहरों में रहकर तैयारी करते हैं वो बाहर चले गए, एक तो अपने पूछ ले गए कि 21 डेज के बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन 21 डेज के बाद कंटिन्यूस लॉकडाउन रहा, घरों से आप बाहर नहीं निकल सकते थे, तो डिजिटल जो डिवाइड है वो है हमारे यहाँ, पहले पता है कि नेटवर्क कैसा रहता है कि ना तो फोन पे पढ़ सकते हैं, वो एक तो बुक लेके गए थे उसके बाद शॉप भी बंद हो गई थी, तो वो भी एक मतलब प्रॉब्लम फेस की सभी ने। फिर दूसरा ये था कि मतलब सभी लोग जो है ना मतलब माहौल ऐसा था चारों तरफ कि शायद पता नहीं दुनिया भी बचेगी नहीं बचेगी, तो पढ़ाई की तरफ तो था ही नहीं, दूसरा गवर्नमेंट ने हमें कोर्ट में भी लटकाए रखा कि शायद अब देंगी अब देंगी अब देंगी, तो ये सब चीज़ों के चलते और कॉन्स्टेबल लेवल का एग्जाम हो चाहिए, IIT का हो चाहे बैंकिंग का हो IBPS का हो इसका CGL का हो किसी का भी हो,
सब में प्रॉब्लम्स है और हमारी तीन जो मुख्य डिमांड है कि सभी को दो साल के का रिलैक्सेशन दिया जाए और पारदर्शिता की मांग है और जो मेंस के जो स्टूडेंट है अभी जिनको एग्जाम में नहीं बैठ रही उन्होंने हाईकोर्ट में लिमिट लगाई थी कि भाई वो सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हो रही है वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे लेकिन फिर भी उन्होंने एग्जाम पोस्टपोन नहीं किया कहा गया कि अलग रूम दे दें कि अलग रूम देने से ऑक्सीजन आ जाएगी तो वो बच्चों को उन्होंने मेंस में नहीं बैठने दिया और जिनको जैसे एक एग्जाम दिया दूसरे में टेम्परेचर अप हो गया तो उनको नहीं मिलते ऐसी हार्ड सी प्री मेरिट फेस की बच्चों ने आज आपने यहाँ पे ये प्रोटेस्ट किया है कि किसी ने आपकी सुनी है यहाँ पे आके क्या हल निकला अभी हल नहीं निकला किसी ने नहीं सुनी है अभी हम यहाँ पे बैठे हैं तो क्या आप रात में यहीं पे बैठेंगे हाँ रात में यहीं पे भूखे बैठेंगे सर्दी में बैठेंगे खा पी के बैठेंगे आराम से हम अंदर साइड पे तो है नहीं खा पी के बैठेंगे हाँ। लेकिन बैठेंगे यहीं पे कब तक बैठेंगे कब तक बैठने का इरादा है ये गवर्नमेंट सुन नहीं रही जब तक आप यहीं बैठेंगे डेली आपका नाम क्या है आप कहाँ से मेरा नाम सुनील है आप इस आंदोलन में क्यों शामिल हो रहे हैं आपको क्या लगता है और आपको क्यों शामिल होना चाहिए था इसमें क्यों आया इशू से मैं सर कि वही कोरोना काल में जो दो साल में कुछ लगा कुछ खराब हुआ या जो नहीं हो पाए जिससे घर घर की डिमांड हो गया उनको फॉर्म बैठता तो अब वो चाहते हैं कि जो उनका जो लॉस हुआ है वो दो साल इतना कोविड आपका भी लॉस हुआ है या फिर आप ऐसे नहीं नहीं हमारा लॉस हुआ है और हमारे तो फादर किस तरह अप्रैल तो हम लॉस समझते हैं आप कब से सामने इस आंदोलन में कल भी रहेंगे आप हाँ रहेंगे हम आगे भी रहेंगे चलेगा आपका नाम क्या है आप थोड़ा आगे आ जाइए और आखिर आप लोग आपकी सुनते यहाँ पे बढ़ती जा रही है आपसे भी बात करूँगा पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आप आगे आ जाइए आपका नाम क्या है और ये जो आपके साथी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं कह रहे हैं कल भी हम यहीं बैठेंगे और जब तक बैठेंगे जब तक हमारी सरकार बात नहीं मान लेगी तो आपका इरादा क्या है आप भी बैठेंगे या फिर चले जाएंगे मेरा नाम राज राठौड़ है आपके अटैम्प्ट बचे हुए हैं लेकिन फिर क्यों आप आए फिर क्यों आए आपको ये मेरे सारे दोस्त हैं क्या पता आगे चल दोस्ती निभाने आए हैं क्या आप दोस्ती मतलब सारे यूपीएससी एस्पिरेंट सपोर्टर्स हैं लेकिन यहाँ पे लाखों छात्र रहते हैं बोलो क्यों नहीं आए देखो यहाँ पे खड़े हैं बोलो क्यों नहीं आप ही क्यों आए तभी तो मैं कहना चाहता हूँ अगर कोरोना और बढ़ता है तो उनकी भी निकल जाएगी वो भी इस तरह से आगे बैठ जाएंगे जब उनके टाइम पे कोई नहीं आएगा मैं कहना चाहता हूँ कि जिनके भी आइटम बचे हुए हैं तो अपने सारे दोस्त तमाम एग्जाम सपोर्ट करना चाहिए मैं कहता हूँ हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे बैठ के ही बनाइए अगर सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं तो सरकार को याद दिला देंगे वो किसान आंदोलन हम किसान के बेटे हैं किसान आंदोलन जो 13 महीनों में सरकार को सर झुकाकर माफी मंगवाई थी हम किसान के बेटे हैं हम उन्हें घुटनों पर बल खड़ा करते हैं लेकिन किसान तो बहुत ज्यादा संख्या में थे आप तो बहुत कम है भगत सिंह और राजगुरु सुंदर ये तीन ही आदमी क्रांतिकारी लेकिन देश के लिए आजादी हम भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले हम युवा है आज देश के लिए युवा को जरूरत है सरकार की जरूरत नहीं है सरकार क्योंकि काम ही नहीं कर रही है लोकतंत्र मजबूत होने के लिए सरकार आज सरकार से सवाल ये पूछना चाहिए सरकार किस लिए भारत का संविधान मजबूत करने के लिए एकता को बरकरार रखने के लिए एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए युवाओं की जरूरत है लेकिन युवाओं को कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा था अभी की यूपीएससी या करेंट आपके अटैम्प्ट भी बचे हुए हैं तो आपको कहीं कमरे में बैठ के पढ़ना चाहिए था अभी पढ़ना अब यहाँ से जाके मैं पढ़ूंगा मैं इनके साथ ही रुकूंगा लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं यहीं बैठेंगे आप चले जाएंगे नहीं मैं भी रुक जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अटैम्प तो मेरा बचा हुआ है चाहे अगला अटैम्प्ट चले जाएंगे या दूसरा अटैम्प्ट चले जाएंगे हमारे और 5-6 अटैम्प्ट बचे यहीं बैठ के हम यहीं बैठ के पढ़ेंगे और यहीं रहेंगे हम सरकार से हम मांग कर रहे हैं आप पीछे नहीं हटेंगे आपका नाम क्या है आप भी बोल रहे थे और आप कह रहे हैं यहीं बैठ के पढ़ेंगे और यहीं बैठ के आईएएस बनेंगे क्या हाँ बिल्कुल बिल्कुल ही हम लोग यहाँ से मिलने वाले नहीं हैं क्योंकि 2020 मुझे नहीं लगता कि कोई फुल सीट है क्योंकि वो एक ऐसा समय था कि जैसे लग रहा था कि यहाँ कोई मर रहे हैं यहाँ कोई मर रहे हैं मतलब एक ऐसा दशक फैला हुआ था ना क्या बोले और मैं पर्सनली बता रहा हूँ मैं एनजीओ चलाता हूँ मैं एनजीओ का प्रेसिडेंट हूँ आप एनजीओ चलाते हैं देश की तैयारी करते हैं जी हाँ और उस समय एनजीओ चलाते हैं या यूपीएससी की तैयारी नहीं एनजीओ भी चलाते हैं और यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं ठीक है तो आपका भी अटेम्प्ट निकल गया है क्या हाँ 2020 में मेरा लास्ट अटेम्प्ट था मैं उस समय जो भी मतलब वहाँ से मैगन डिलीवर थे रास्ते में जा रहे थे मैं यहाँ से गया था और सभी को रास्ते में मैं हेल्प किया था ठीक है इसके बाद मैं बिहार भी गया था वहाँ भी बहुत लोगों को हेल्प किया था तो इस कारण लेकिन इससे यूपीएससी का क्या लेना देना है हेल्प करना और ये अटेम्प्ट क्या लेना देखिए एक्चुअली बात यहाँ ये थी तो उस समय जरूरी था कि गवर्नमेंट भी हम लोग को इनक्रेज कर रहे थे कि हमें अपनी मदद करनी चाहिए लोगों को तो हम जब मदद करने लगे ना उस समय हम पढ़ नहीं पाए
और जब नहीं पढ़ पाए तो हम कैसे एग्जाम देते। और जब मैं गांव में जाकर हेल्प कर रहा था तो मैं, आप सोचिए कि उस समय मैं कैसे एग्जाम देने जाता। मैं तो पेशेंट के बीच में रहता था, कोविड जो पेशेंट था उसके बीच में मैं रहता था, उसके बीच में मैं काम करता था, तो मैं कैसे जाता एग्जाम देने का, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी क्वारंटाइन हो गया था। अगर मैं जाता तो दूसरे की लाइफ रिस्क में डालता, तो इसी कारण से मैंने एग्जाम नहीं दिया। चाहते क्या हैं आप यहाँ बैठ के, क्या चाहते हैं धरती पर बैठ के? हम बस यही चाहते हैं कि हम लोग को जो कोविड में अटेम्प्ट बर्बाद हुआ है 2020 और 21 वाले सभी को बस गवर्नमेंट दो अटेम्प्ट दे दे और एज बढ़ा दे, जिससे ये होगा कि हम लोग को भी अपनी संतुष्टि मिल जाएगी। हम लोग को रोजगार नहीं मांग रहे, हम लोग अपनी अटेम्प्ट मांग रहे हैं और ये हमारा अधिकार है, क्योंकि 2020 कोई भूल नहीं सकता। और मुझे नहीं लग रहा है कि आप क्या कारण बताइए। हम मतलब यूपीएससी एस के पिछले 1.5-2 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम की डिमांड, और जैसे कि COVID-19 इतनी महामारी आई और पीएम साहब ने खुद बोला कि ऐसी महामारी से काम नहीं, और पीएम साहब ने खुद बोला कि कोरोना का जो वैक्सीनेशन का मतलब आपके पास सिस्टम था देश में इतने अच्छे से हुआ, उसने लोगों को वैक्सीन कर दिया। लेकिन पीएम साहब ने क्या यही सोचा कि इस वैक्सीनेशन में मतलब इतने सारे डॉक्टरों ने अपना अटेम्प्ट किया हुआ था, जब पीएम साहब ने यही सोचा कि चाइना इंडिया के देश में बहुत सारे आर्मी पर्सनल ने अपने अटेम्प्ट किया हुआ था देश की रक्षा के लिए, या पीएम साहब ये नहीं जानते कि आर्टिकल 14 समानता के साथ समता का भी अधिकार देता है, और समता ये कहती है कि सकारात्मक विभाग किया जा सकता है। ये बच्चे जो देश का भविष्य है, क्या इनके पक्ष में सकारात्मक विभाग नहीं किया जा सकता है? या जब आप बैंकिंग को सब बैंक को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है ना, किसानों को लोन देने के लिए, बैंकिंग मजबूती के लिए, क्योंकि वो देश के लिए जरूरी है, तो क्या ये स्टूडेंट इसके ये देश का भविष्य है? सरकार इस मतलब इन बच्चों के साथ एक सकारात्मक विभाग में या इन बच्चों को राहत नहीं दे सकती? जैसे सारे सेक्टर्स को आप राइज का राहत दे रहे हो, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप कंपनियों को राहत दे रहे हो, लोगों को राहत दे रहे हो, क्या ये डेमेंटर है इसमें, क्या ये इसे राहत सरकार को सोचना होगा? और हम लगातार आप भी यहीं बैठेंगे, आपने ठान लिया यहीं बैठेंगे? आप चले जाएंगे साथियों को छोड़ के चले जाएंगे? आप भी चले जाएंगे, ये भी चले जाएंगे, बच्चे का कौन? आप रुकोगे? और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देश बनता है, देश की स्थिति घट गई है, युवा बेरोजगार हो गए, हम उनसे नौकरी ना नहीं मांग रहे, हम दो करोड़ घंटे नहीं मांग रहे, 15 लाख खाते भी नहीं मांग रहे, हम बस हम बस दो अटेम्प्ट सरकार हमारे पास आके बोलती है कि हमें 5 साल दो, हम आपको कुछ कर देंगे। हम कहते हैं हमें 5 साल नहीं चाहिए, एक बार हम मांगेगी नहीं, हमें बस दो अटेम्प्ट दे दिए, हम अपना गवर्नमेंट को मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इन्हें लग रहा होगा कि शायद हम लोग 50, 100, 200 लोग हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं बताइए? अभी मैं बता रहा हूँ, ये तो सिर्फ क्या है ना, एक नमूना है, नमूना है ये, बस एक नमूना है, बाकी क्या होना है अभी? वेट एंड वॉच, बट बस गवर्नमेंट देखते रहे, उनको अभी तक ये नहीं पता है कि स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग उन्हें दिखाएंगे उन्हें स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, वो टाइम बहुत जल्दी आ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट या तो हम लोग की निवेदन है इनसे कि हम लोग को रोड पे ना बिठाए, हम लोग नहीं चाहते हैं कुछ ऐसा करें, लेकिन अगर ऐसा करेंगे हम लोग अभी कुछ भी कर सकते हैं कि हम लोग को अटेम्प्ट चाहिए। पूरे पूरे इंडिया का स्टूडेंट, ये गवर्नमेंट ये बात समझ ले, पूरी इंडिया का स्टूडेंट रोड पे आएंगे, और इन्हें अगर नहीं अटेम्प्ट दिए तो इन्हें पता चल जाएगा कि स्टूडेंट की पुस्तक क्या होगी। ओके दोस्तों, हम बत्रा सिनेमा के बिल्कुल सामने जो खाली जगह है वहीं पर मौजूद थे, और यहाँ के हमने सबसे ज्यादा वीडियो बनाए हैं। एक किताबी रंग बिरंगी दुनिया है मुखर्जी नगर यूपीएससी और एसएससी का हब, सबसे ज़्यादा वीडियो हमने आके बनाए हैं, और आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हो, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। यहाँ पे जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं इनका कहीं पे भी प्रोटेक्ट होता है, मैं हर छात्रों के साथ हमेशा रहता हूँ और छात्रों के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। आज भी यहाँ पे कोई भी नहीं आया, हम आए और आपको दिखा रहे हैं, और हमेशा हम इनके साथ खड़े रहते हैं, और जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी छात्रों को हम वहाँ पे जाएंगे और लाखों लोगों तक दिखाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम। वो लेट हो गए।